मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के लंदन वाले बयान को लेकर बीजेपी आक्रामक रुख अपनाए हुए है और लगातार उनसे माफी की मांग कर रही है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी पर हमला बोला है और कहा है कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश और संसद का अपमान कर रहे हैं। इससे पहले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल पर हमला बोला था और कहा था कि विदेशी भूमि पर भारत के बारे में अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी अडानी मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए तमाशा खड़ा कर रही है। मैं एक सांसद हूं, इसलिए पहले सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं, मीडिया से बाद में बातचीत होगी। उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है और आज भी बीजेपी दोबारा कह रही है कि आपने विदेश में ये कहा कि अमेरिका और यूरोप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए, मतलब हस्तक्षेप करना चाहिए। आपको याद होगा कि जब मैंने ये प्रेस की थी तो कांग्रेस के मित्रों ने मुझे क्या हमला नहीं किया था। नेक्स्ट डे उन्होंने क्लैरिफाई किया था कोई स्टेटमेंट, तो हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने उनका ओरिजिनल भाषण जो था उसको लगा दिया और जो मैंने यहां आप लोग को बोला था वो भी लगा दिया। उसके बाद कांग्रेसी खामोश हो गए। प्रतिकार इसी देश की जनता ने किया था, आपके शासन को उखाड़ फेंका था, किसी विदेशी ताकत ने नहीं। राहुल गांधी जी, आप विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं, जबकि आज दुनिया में भारत को सलाम कर रही है दुनिया। इटली के पीएम ने हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सबसे लवेबल पीएम कहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर आईएमएफ तक ने भारत के विकास गाथा की सराहना की है। जर्मनी के चांसलर ने भारत के विकास को अद्भुत बताया है। अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस, ब्रिटेन, यूएई, सऊदी अरब सहित तमाम देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सराहना कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी, देश का अपमान आप कर रहे हैं, ये है राहुल गांधी की समझ। कि जो मैंने भाषण कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में दिया अदानी जी के बारे में और जो नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है उसके बारे में मैंने सवाल पूछे, उस भाषण को पार्लियामेंट हाउस में पूरा एक्सपंज कर दिया गया और उस भाषण में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो पब्लिक रिकॉर्ड से मैंने नहीं निकाली। अखबारों से, लोगों की स्टेटमेंट से मैंने पूरा भाषण डेवलप किया था और उसको एक्सपंज कर दिया गया। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सीएम केजरीवाल गुरुवार को भलसुआ लैंडफिल साइट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जल्द कूड़े के पहाड़ को खत्म करने का वादा दोहराया। हालांकि इस बीच एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है, जहां बीजेपी ने कुछ फोटो साझा करते हुए केजरीवाल पर तंज कसा है। तस्वीरों में केजरीवाल लैंडफिल साइट पर बिछी ग्रीन कार्पेट पर चलते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने तस्वीरों के साथ केजरीवाल को राजा साहब कहते हुए घेरा। वहीं बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि लैंडफिल साइट पर केजरीवाल के लिए ग्रीन कार्पेट स्वागत है। आपके जूते देखे खास हैं, इन्हें जमीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। बता दें बीजेपी ने केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है, कूड़े के पहाड़ पर ग्रीन कार्पेट बिछी। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। वहीं अखिलेश यादव आज कोलकाता पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं के ने अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया। बता दें कि 18 और 19 मार्च को कोलकाता में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, जिसमें अखिलेश यादव बैठक की अध्यक्षता करेंगे। खास बात यह है कि कोलकाता के इस दौरे के दौरान अखिलेश पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। इसके लिए 400 सीटों वाला ऑडिटोरियम भी तैयार हो चुका है। बता दें कि शाम 5 बजे सीएम ममता बनर्जी से अखिलेश यादव मुलाकात करेंगे।
अगर आज देश की आर्थिक व्यवस्था पीछे जा रही है तो उसकी जिम्मेदार भारत सरकार है, भारत सरकार जिम्मेदार है। ममता जी से क्या उम्मीद करते हैं आप? मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा और क्योंकि उनसे क्या बात होगी ये तो अभी नहीं बता सकते, लेकिन उनसे मैं मिलूंगा जरूर। नहीं, आपका प्रस्ताव क्या रहेगा उनको? ये हमारी उनकी बात होने दो, लेकिन यूपी और देश से भारतीय जनता पार्टी हटे। आपकी पार्टी के साथ ममता दीदी का बहुत अच्छा तालमेल है। जया बच्चन जी आई थी 21 के चुनाव में। ये प्रेस के लिए सवाल हो सकता है कि अपोजिशन अलायंस, लेकिन पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहती है। सीबीआई और ईडी जांच चल रहा है, काफी सारे मैं आपसे मिलूंगा और देश की जो हालात है उन पर जरूर चर्चा पार्टी करेगी। और ये तैयारी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ज्यादा सीटें कैसे जीते, क्योंकि जिस तरह की हालात है भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान लगातार लोकतंत्र पे हमला कर रही है और विपक्ष की आवाज न उठे उसको दबाने का काम कर रहे हैं। आज लोकसभा जहाँ पर बहस इस बात की होनी चाहिए कि महंगाई कैसे रुकेगी, बेरोजगारी कैसे खत्म होगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता गौरव हमसे जुड़ेंगे। गौरव, 2024 को चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, वहीं सपा की आज कोलकाता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी, क्या कुछ महत्वपूर्ण इसमें रहने वाला है? लगातार 24 को लेकर तैयारी कर रही है, करनी भी चाहिए। 24 का महत्वपूर्ण चुनाव है और यहाँ पर कोई कोताही फिलहाल समाजवादी पार्टी बरतना नहीं चाहती है। अभी शिवपाल सिंह यादव उनके साथ आ चुके हैं तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। और बंगाल पहुंचे, वहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन वहां पर किया जा रहा है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वहां पर है। इस बैठक के माध्यम से 24 की तैयारियों को यहां पर अखिलेश यादव एक बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करेंगे, किस तरह काम करना है, रणनीति बनानी है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात है, सारे पदाधिकारी वहाँ मौजूद होंगे, सारे नेता वहाँ मौजूद होंगे और सभी कार्यकर्ताओं का वहाँ पर हुजूम भी रहेगा और सबको उनकी जिम्मेदारी यहाँ बताई जाएंगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कलकत्ता में हो रही है तो निश्चित रूप से इसकी तमाम मायने हैं अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर अखिलेश यादव हमेशा देखे जाते हैं कि ममता बनर्जी से उनकी नजदीकी है और समय समय पर उनसे निर्देशन भी लेते हैं, मिलते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक विपक्ष बनाने की भूमिका है उसको लेकर यहाँ पर लगातार ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की मुलाकातें होती रहती है। अगर दिल्ली में कई बार मुलाकातें हुई हैं और ममता उनको एक बड़े बुजुर्ग की तरह हमेशा समझाती आई है, तमाम चीज निर्देशन करती आई है, तो कहीं ना कहीं बंगाल में बैठक हो रही है तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण बात यह भी है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक भी और साथ साथ ये भी स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि जो विपक्ष को एकजुट करने की जो भूमिका यहाँ पर जो निभाई जा रही है कहीं ना कहीं उसको भी यहाँ पर एक बल मिलता नजर आ रहा है। फिलहाल यहाँ पर 24 के चुनाव को लेकर अखिलेश यादव पूरी सजग है और इसी के तहत यहाँ पर बैठक भी हो रही है और बैठक बंगाल में हो रही है, बंगाल की राजधानी कोलकाता में हो रही है, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश है कि 24 के लिए फिलहाल बीजेपी के लिए चुनौती बड़ी होने वाली है। जी गौरव, देखिए कि सपा की कार्यकारिणी की बैठक होगी और देखा जाए तो सपा के तमाम बड़े नेता 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे, पार्टी को शिवपाल यादव का भी साथ मिल गया है, तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखने को मिलेगा, देखिए बदलाव यहाँ पर पदाधिकारियों की कोई उसमें नहीं है, बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, जिनका जो पद है वो पद वही रहेगा, पर स्पष्ट रूप से जिम्मेदारी यहाँ बढ़ेगी, किसको कहाँ दिया जाता है, किसको कौन सा लोकसभा क्षेत्र दिया जाता है, किसको जिम्मेदारी दी जाती है, सोशल मीडिया जिम्मेदारी कौन संभालेगा, हुजूम कौन संभालेगा, आंदोलन कौन संभालेगा, इसके अलावा रणनीति कैसे बनेगी। शिवपाल सिंह यादव अनुभवी नेता है और यहाँ आ चुके समाजवादी पार्टी का आधार रहे हैं, बीच में मनमुटाव के चलते अलग जरूर हो गए थे पर जब उनके आना हुआ है उसके बाद हमने देखा है कि मैनपुरी और खतौली में समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हुई है, तो कहीं ना कहीं जो सतपाल सिंह यादव का आना है वो समाजवादी पार्टी के लिए संजीवनी का काम कर रहा है और आते ही उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। और इसके अलावा आपने देखा कि सदन में अखिलेश यादव के बगल में बैठ कर नजर आए थे, उस बार सदन में अखिलेश यादव की जो भूमिका थी वो विपक्ष के बड़े नेता के रूप में थी और निश्चित रूप से वो गंभीर भूमिका में अपनी बात करते नजर आए, कोई हाय हल्ला नहीं रहा और तमाम चीजों को अखिलेश ने गंभीर नेता के रूप में वहां प्रस्तुत किया। तो कहीं ना कहीं जब कोई बड़ा बुजुर्ग साथ में आता है या अनुभवी आदमी साथ में आता है तो उसके परिणाम भी बेहतर मिलते हैं और रणनीति बनाने में यहाँ पर सहायता भी मिलती है। जी धन्यवाद गौरव तमाम जानकारियों के लिए।
बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच गुरुवार को ही बातचीत भी विफल रही। दोनों पक्षों में गतिरोध बढ़ता दिख रहा है। कर्मचारी 72 घंटे की हड़ताल पर कायम है, जबकि सरकार ने जनता को दिक्कत होने पर एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी है। बिजली मंत्री AK शर्मा ने हड़ताल को जन विरोधी बताते हुए कहा कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारी जिस दिन से अनुपस्थित पाए जाएंगे उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। हड़ताल उग्र हुई और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा तो दोषियों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई होगी। इस बीच हड़ताली कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन भी शुरू हो गए हैं। महाराजगंज में आंदोलनरत सहायक अभियंता को गिरफ्तार किया गया है। महोबा में 5 आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रयागराज समेत करीब कई जिलों में कार्रवाई की सूचना है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, बिजली कर्मी लगातार हड़ताल पर है, वहीं हड़ताल को लेकर सरकार भी सख्त नजर आ रही है। आवाज आ रही हमारी जी? रितेश, बिजली कर्मी लगातार हड़ताल कर रहे हैं, वही हड़ताल को लेकर सरकार भी सख्त नजर आ रही है। बिजली विभाग के जो कर्मचारी है वो कहीं ना कहीं हड़ताल पर जा चुके हैं। रात 10 बजे से बिजली के जितने भी कर्मचारी उत्तर प्रदेश से है जो संविदा कर्मी वो हड़ताल पर अपने निकल चुके हैं, क्योंकि जो कल ऊर्जा मंत्री के साथ जो बैठक हुई थी उस बैठक में कहीं ना कहीं नतीजा बेचिफा रहा, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के लगभग 27 लाख कर्मचारी अब एक तरीके से लामबंद हो चुके हैं और पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग का जो संकट है वो इन कर्मचारियों की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कत से आने वाला। लेकिन अभी तो ताजा जानकारी मिल रही, उत्तर प्रदेश ऑफिसर्स का जो एसोसिएशन है उन्होंने इसका बीड़ा उठा लिया है। उत्तर प्रदेश में अगर बिजली संबंधी कोई समस्याएं आती है तो जो ऑफिसर्स है उनके द्वारा NTPC के द्वारा लोगों को सुरक्षित कर लिया गया है। यदि ऐसी कोई समस्या आती है तो उस पर वो तत्काल कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ऊर्जा मंत्री की तरफ से साफ कह दिया गया है कि यदि कोई संविदा कर्मी अगर वो अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंचता है तो तत्काल प्रभाव से उसको बर्खास्त कर दिया जाएगा। अभी जो सबसे बड़ी बात सामने निकल करके आ रही है, ऊर्जा मंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं और जिसका जीता जागता प्रमाण महोबा जिले में वहां के जिलाधिकारी लगभग 10 लोगों को कार्य मुक्त कर दिया है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में ASPA भी लागू है और रासुका के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। विभाग के कर्मचारी अपने पद को नहीं छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी नौकरी पर भी आफत बनने वाली है। जी रितेश, कहा जा रहा है बिजली कर्मचारियों और सरकार के बीच गुरुवार को बातचीत हुई जो विफल रही, तो ऐसी क्या बातचीत रही जो विफल रही? देखिये, सबसे बड़ी बात ये 3 महीने पुराना मामला है। इसके पहले विभाग के कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, विद्युत संघर्ष समिति ने आंदोलन किया था, 1400 रुपये मांगे थी। तो सबसे बड़ी मांग थी वो निजीकरण का विरोध था और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के और कुछ प्रमुख बिंदु थे, इनको कुल मिला के 14 बिंदु थे जिनको लेकर के वो लिखित चाहते थे कि उनके साथ और विभाग के मंत्री के साथ लिखित में एक साइन हो, लिखा पढ़ी में हो चीजें, जिससे वो अपनी बातों से मुकरना चाहते थे। उनकी मांगे नहीं मानी गई कि जिसको लेकर के विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति ने पूरा मोर्चा खोल दिया और पूरे प्रदेश से उन्होंने आह्वान किया है। कल जब बात विफल हुई, गुरुवार के दिन ऊर्जा मंत्री जब बैठे तो उनकी बात जब नहीं मानी गई, जब उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, संयुक्त समिति के दो पदाधिकारी थे, उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाने के बाद में पूरे तरीके से ऐलान कर दिया गया और 10 बजे से रात से ही विद्युत कर्मचारी अपने अपने हड़ताल के लिए और कार्य बहिष्कार के लिए निकल पड़े। फिलहाल अभी जो समस्याएं आ रही है विभाग के दफ्तरों में, उस समस्याओं को उत्तर प्रदेश ऑफिसर्स ने जो एसोसिएशन ऑफिसर्स का उन लोगों ने उस समस्याओं को संभाल लिया है। जो कार्यकर्ता उनको भी नियुक्त किया गया है और भी व्यवस्थाएं की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कहीं कोई का संकट नहीं है। एक नंबर जारी किया गया था, कुछ सूचनाएं भी गलत जा रही थी बिजली कटने संबंधित लेकर के। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के जो ऊर्जा मंत्री, उन्होंने साफ कह दिया है किसी प्रभार का अगर काम अब करने के लिए जिन लोगों को लगाया गया है कोई संविदा कर्मी या कोई कर्मचारी बदलता करता है उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई की जाए। तो रितेश, बिजली कर्मी अपनी मांगों को लेकर लगातार जिद पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार भी इस पूरे मामले पर सख्त नजर आ रही है, तो अब आगे क्या कुछ होगा? देखिए, अभी तो जिस तरीके से देखा जा रहा है बिजली कर्मी अपने हक पर अड़े हुए हैं। रात 10 बजे से कार्य बहिष्कार शुरू हो गया है और 16, 17, 18, 72 घंटे का
ये पूरा इनका सांकेतिक हड़ताल चलेगा। कहीं कहीं मशाल जुलूस भी निकाले जा रहे हैं, कहीं जिलों में जो बिजली कर्मचारी और लामबद्ध होकर के अपने घर में प्रदर्शन का अपने कार्य बहिष्कार का वो सब चीजें तैयार करके बैठे हुए। लेकिन अभी जो सरकार अपना किसी तरीके का रुख नहीं बदलने वाली है, किसी प्रकार से इनकी मांगे पूरी होने की आशा नजर नहीं आ रही। फिलहाल उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने ये साफ कह दिया था, जब परसों बात हुई थी तो उन्होंने साफ कह दिया कि जितने भी विद्युत कर्मचारी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, चाहे पंचायत है, उनको शासकीय यानी जितने भी स्वास्थ्य विभाग के जो अस्पताल हैं, शिक्षण स्वास्थ्य जो संस्थान है, वहां पर उनको निःशुल्क इलाज यानी कैशलेस इलाज मुहैया कराया जा रहा है। तो एक इन्होंने ऊर्जा मंत्री ने एक विशेष योगदान दिया और कहा के बाद के अपनी जो इनकी मांगे हैं, जो मुख्य निजीकरण का विरोध और जो चेयरमैन है विद्युत विभाग के उनको हटाने की मांग कर रहे हैं और भी कुछ ऐसे मांग है पुरानी पेंशन बहाली के लिए अड़े हुए हैं। लेकिन अभी सरकार की तरफ से किसी प्रकार का पॉजिटिव रिपोर्ट आने की कोई अंदेशा नहीं है, ना कुछ देखा जा रहा है। फिलहाल अभी लामबद्ध है और वो विरोध अपना प्रदर्शन जता रहे हैं। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। यूपी के बाहुबली नेता और गुजरात की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। अतीक ने यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया। अतीक अहमद ने जान को खतरा बताते हुए अहमदाबाद जेल से यूपी ना लाए जाने की गुहार कोर्ट से लगाई है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला माधुर त्रिवेदी की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, कोर्ट में आज सुनवाई होगी। अतीक ने यूपी की जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया था, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मेरी, जब से जो है उमेश पाल की हत्या हुई है, अतीक अहमद के गुर्गो पर लगातार यूपी पुलिस और एसटीएफ का जो है वो पकड़ जारी है। लगातार उनके गुर्गो को अब पकड़ने की कोशिश में उत्तर प्रदेश पुलिस, वही अतीक अहमद का नाम आने के बाद, चूंकि अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो उनको जेल शिफ्ट कराना चाहती है, गुजरात से यूपी लाना चाहती है। अतीक अहमद की बहन और बीवी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी भी दी थी कि किस प्रकार से उनको जान का खतरा बताया जा रहा है। अतीक अहमद ने ये भी गुहार लगाई है कि एनकाउंटर उनका हो सकता है, जिससे उनकी बहनों ने उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री से गुहार भी लगाई है। अब उत्तर प्रदेश पुलिस उनको उत्तर प्रदेश के जिलों में ट्रांसफर करके पूछताछ करना चाहती है, जिसका विरोध जो है अतीक अहमद ने किया है। और बाकायदा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी कोर्ट में पेशी कराई जाएगी और जो स्थानांतरण का मुद्दा है, जेल शिफ्टिंग का मुद्दा है, उसको जो है लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उठा रही है, ताकि वो उत्तर प्रदेश की जेलों में शिफ्ट किया जा सके और पूछताछ जो है बेहतर तरीके से हो सके, जिससे इस मामले में और भी पुख्ता सबूत हासिल किया जा सकते, जिसका विरोध अतीक अहमद ने किया है। आज प्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो है ये मामला जो है कोर्ट सुनेगा, जिसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। ठगी से इतर ये कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। सुरक्षा दृष्टि से अति संवेदनशील माने जाने वाले जम्मू कश्मीर में पुलिस ने एक ऐसे ठग किरण पटेल को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 5 महीने से खुद को पीएमओ का अफसर बताकर जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ फुल मजे काट रहा था। यही नहीं, अधिकारियों के साथ कई बैठकें भी की थी। खुद को पीएमओ का अधिकारी बता किरण भाई पटेल ना सिर्फ लाल चौक पर गया, बल्कि सूत्रों के मुताबिक वो सेना की कमान पोस्ट तक गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आरोपी कई महीने तक जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ सरकारी महकमे का काम करता रहा और मौज काटता रहा, लेकिन 5 महीने बाद सुरक्षा एजेंसियों की नींद टूटी। सूत्रों के मुताबिक मामले में 2 अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। आज आजम खान से जुड़े 3 मुकदमों में सुनवाई होगी, जहां मामले की सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में होगी। बता दें, भड़काऊ भाषण, 2 जन प्रमाण पत्र से जुड़ा मामला और 2 पैन कार्ड मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। आजम खान वीसी के जरिए बयान दर्ज कराएंगे। अब्दुल्ला, तंजीन, फातिमा कोर्ट में बयान दर्ज कराएंगी।
बता दें आजम खान को लेकर 3 मामले में आज सुनवाई होगी। आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराएंगे। बता दें एमपी एमएलए में 3 मामलों को लेकर सुनवाई होगी। स्वरा भास्कर और फहाद अहमद ने 16 मार्च को दिल्ली में एक ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी दी। इस पार्टी में राजनीतिक जगत से कई हस्तियों ने शिरकत की। पार्टी में राहुल गांधी, शशि थरूर, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव सहित तमाम राजनेता पहुंचे। वहीं राज्यसभा सांसद और एक्ट्रेस जया बच्चन ने भी पार्टी में शिरकत की। स्वरा भास्कर अक्सर अपनी बेबाक राय रखने के लिए जानी जाती हैं। स्वरा भास्कर कांग्रेस के कई कार्यक्रमों में शिरकत करती हैं। इससे पहले स्वरा भास्कर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।